हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा बारह के जो भूगोल विषय है उसकी प्रैक्टिकल परीक्षा भी चल रही है तो उसमें एक प्रश्न आता है स्पीयरमैन के कोटिशह संबंध का तो उस प्रश्न को हल करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से उसको हल करना है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दो तीन और उदाहरण भी देंगे आपकी पाठ्य के उदाहरण के अलावा तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है तो फिर संख्या चाहे कोई भी आए आपका तीन नंबर का प्रश्न ये प्रैक्टिकल में आने वाला है तो आप उसको आसानी से इसे हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका एक तरीका आपको बताऊंगा अच्छा अगर आपको भूगोल प्रायोगिक से संबंधित अन्य वीडियो भी चाहिए तो ऊपर लिंक दिया हुआ है इस आई बटन पर क्लिक करके आप भूगोल के अन्य वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं अच्छा तो इसको हल करते हैं देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न होगा स्पीयरमैन के कोठी से संबंध की गणना कीजिए दो सारणी बनी हुई होगी इसमें सारणी इस तरह से बनी हुई है आपके सारणी इस तरह से भी बनी हुई आ सकती है कि एक तरफ एक्स लिखा हुआ होगा दूसरी तरफ वाई और ये जो दो आठ जीरो है ये इस तरह से सारणी में नीचे की तरफ भी लिखे हो सकते हैं ठीक है तो ये जो संख्याएं हैं अपने को हल करना है यहाँ प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है आपको सारणी इस तरह से उतार करके आपको हल करना है आप कैसे करना है ये देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ प्रश्न में जो दिया हुआ है इसका सारणी जो है इसका कॉलम संख्या एक और दो ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है कॉलम एक और दो ये प्रश्न में ऐसे का ऐसे ही दिया हुआ है ये संख्या दो आठ जीरो बीस बारह सोलह छः अठारह नौ और दस ये संख्याएं और वाई की संख्याएं ये इतना आपके पास में प्रश्न में दिया हुआ है अब आपको चार और कॉलम बनाने हैं तो कौन कौन से बनाने हैं पहला कॉलम बनाना है एक्स कोटी का एक्स आर लिखा हुआ है यहां आप इसको मानिए ये जो कॉलम है यहाँ आप कोटी एक्स भी लिख सकते हैं कोटी एक्स यहाँ फिर अगला कॉलम जो है वो है वाई आर का यानी इस वाई की कोटी है तो यहाँ आप लिख सकते हो इस कॉलम में कोटी वाई अच्छा इसके बाद में अगला कॉलम डी है डी होता है कोटी अंतर डी का मतलब है डिफरेंस कोटी अंतर और डी स्क्वायर जो है उसका मतलब है कोटी अंतर का स्क्वायर कोटी अंतर का वर्ग ये इनका विस्तार पूर्वक आपको थोड़ा सा बता दिया है ऊपर जो बने हुए हैं उनमें आपको किस प्रकार से लिखना है अच्छा सबसे पहले ये दोनों सारणी में आपके प्रश्न में यहाँ तक दिया हुआ है अब ये कैसे ज्ञात करना है ये और ये कॉलम तो उसका एक अच्छा तरीका आपको बताऊँ इसमें सबसे पहले जो एक्स है उसकी कोटि देखते हैं तीन नंबर ये किस प्रकार से लिखना है ये सबसे पहले एक्स का देखना है एक्स की कोटी है ये तो एक्स की कोटी कैसे ज्ञात करनी है तो एक्स में सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिएगा उसको फर्स्ट रैंक देनी है कोटी को रैंक बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ एक्स आर लिखा हुआ है मतलब एक्स की रैंक है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दो आठ जीरो बीस इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है आप देखोगे कि एक्स में सबसे बड़ी संख्या है वो है बीस तो जैसे हम कक्षा में कहते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसको पहला स्थान मिलता है उसी तरह से इसमें जो सबसे ज़्यादा है जैसे बीस है तो उसको पहला स्थान मिलेगा तो आप लिखोगे एक इसकी सीध में बीस की सीध में आप लिख दोगे एक अब बीस के बाद में दूसरी बड़ी संख्या यहाँ देखिए अट्ठारह है तो अट्ठारह की सीध में आप लिख दोगे दो उसके बाद में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है सोलह तो सोलह के आगे यहां लिख देंगे तीन उसके बाद में चौथी सबसे बड़ी संख्या है जो है वो है बारह तो बारह की कोटी आ गई चार अच्छा इनके इस तरह से रैंक निकालनी है फिर दस है उसकी पांच आ जाएगी फिर उसके बाद में नौ है ये स्थान है यूं मान लो आप कक्षा में स्थान है ये दस स्टूडेंट है और दस के स्थान तो पहला स्थान सबसे ज़्यादा नंबर वाले का है फिर उसके बाद में तो जीरो है उसकी दस नंबर पर कोटिया जाएगी यानी उसका सबसे अंतिम स्थान है तो ये इस प्रकार से आपको एक्स की रैंक निकालनी है उसके बाद में वाई की रैंक यही काम वाई का करना है आप वाई में देखो वाई में सबसे ज़्यादा कौन सा है चोईस है तो चोईस की पहली रैंक हो गई फिर दूसरे नंबर पर बीस है तो बीस की दूसरी रैंक हो गई फिर तीसरे नंबर पर जो है वो है अट्ठारह तो 18 की तीसरी रैंक हो गई यानी x की रैंक है वो यहाँ लिखनी है और y की रैंक है वो यहाँ लिखनी है x की रैंक वाला कॉलम ये है और y की रैंक वाला कॉलम ये है तो यहाँ आप इस पूरी सारणी में यहाँ y की रैंक यानी कौन सा स्थान है वो निकाल देंगे तो सबसे ज़्यादा चॉइस था तो उसका पहला स्थान हो गया तो इस तरह से इसको हल करना है तो यहाँ ये यह सब सब रैंक आपने ये ज्ञात कर लिया और ये भी ज्ञात कर लिया अब इसके बाद में डी को ज्ञात करना है डी कैसे आया D का मतलब है इन दोनों का अंतर X की कोटी और Y की कोटि का अंतर अब 9 और 10 का अंतर लेना है यानी 10 में से no 9 घटाना या 9 में से 10 घटाना है लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको बात कि अंतर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए है ना अंतर है वो माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है अपने को अंतर अपने को सीधा ही निकालना है तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा सकते हो तो यहाँ देखो दस में से नौ घटाए एक फिर सात में से पाँच यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो सात में से पाँच गए तो दो ये क्या है डिफरेंस है यानी कोटि का अंतर है फिर दस में से नौ घटाया तो एक, एक में से एक घटाया तो जीरो चार में से चार घटाया तो ज़ीरो इस तरह से तीन में से तीन घटाया तो जीरो आठ में से आठ घटाया तो जीरो दो माइनस दो तो ज़ीरो अब छः माइनस सात तो छः में से सात या सात में से छः घटा दो तो एक बचेगा छः में से पाँच गया तो इधर एक बचेगा इसके बाद में अब इसका वर्ग निकालना है डी का स्क्वायर डी का वर्ग निकालना है तो वर्ग किस तरह से ज्ञात करेंगे वर्ग ऐसे ज्ञात करेंगे ये जो संख्या है इसको इसी संख्या से दोबारा गुणा कर देना है जैसे सबसे पहले एक दे रखा है तो एक को एक से ही गुणा कर देना है तो एक से एक गुणा करेंगे तो एक आएगा दूसरा है दो का वर्ग दो को दो से ही गुणा करना है तो आएगा चार फिर एक को एक से गुणा करना है तो आ जाएगा एक फिर इसके बाद में जीरो अब जीरो को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा तो जीरो का हमेशा जीरो ही आएगा फिर एक को एक से गुणा करना है तो आ जाएगा एक फिर एक को एक से गुणा करना है तो आ जाएगा एक तो इस तरह से यानी जो संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालना है यानी उसको उसी से गुणा करना है तो यहाँ आपके सामने ये संख्याएँ आएगी कुल अब नीचे नीचे ये ऊपर जो डी लिख रखा है इनका योग करना है तो योग है डी स्क्वायर तो यहाँ जो डी स्क्वायर लिख रखा है यहाँ डी स्क्वायर नहीं लिखें ये आप लिखें यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आठ यहाँ जो आप लिखेंगे वो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आठ लिखेंगे क्योंकि ये डी नहीं है ये सिग्मा डी स्क्वायर है यानी इन सब का योग है ये तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आठ आ जाएगा और एन बराबर दस है ये एन दस कैसे आया ये देखिए ये कितनी संख्याएं हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस कुल दस संख्याएँ इसलिए एन बराबर दस आई या इस तरह से देख सकते हैं ये कोर रैंक अपनों ने निकाली तो सबसे लास्ट में दसवीं रैंक थी तो दस आएगा यहाँ एन बराबर दस ये दो संख्याएं हमारे पास आ गई एन बराबर दस और सिग्मा डी स्क्वायर है ये ये सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आठ ये दो संख्याएँ आ गई अब इसके बाद में इसका जो सूत्र है वो देखेंगे ये जो निशान है ये रो है आर एच ओ इसका साउंड इस प्रकार से होगा रो ये पी नहीं समझे ये कोटिशह संबंध का एक सिंबल है तो ग्रीक भाषा का सिंबल है एक तो रो बराबर वन माइनस सिक्स सिगमा डी स्क्वायेयर और एन गुणा एन स्क्वायर माइनस वन कई जगह इसका नीचे ही जो एन गुणा एन स्क्वायर माइनस वन को एन क्यूब माइनस एन बी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं ये लेकिन अपने इसी हिसाब से चलेंगे आपके एन की जो बुक में दिया हुआ है वो अब इसमें मान रख देंगे देखो मान किस तरह से रखना है सबसे पहले सूत्र ये दिया हुआ है आपके अब सूत्र में मान रख देना है सबसे पहले तो आप वन माइनस तो है जैसे के जैसे ही लिखोगे उसके बाद में ये सिक्स है तो सिक्स लिख दिया उसके बाद में सिग्मा डी स्क्वायर आया है सिग्मा डी स्क्वायर का मान अपनों ने लिया था आठ ऊपर अभी प्रश्न में यहाँ ऊपर हल किया था अपनों ने तो यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर आठ है और एन बराबर दस है ये हमें पहले से ही पता है तो अब क्या करेंगे इसको हल करते समय वन माइनस छ और गुणा आठ अब यहाँ कोई निशान नहीं है इसका मतलब ये गुणा ही है तो छः गुणा आठ फिर बटा एन एन आपने अभी ज्ञात किया था दस फिर एन स्क्वायर माइनस वन यानी दस का स्क्वायर माइनस वन इस तरह से लिखेंगे यानी ये लिखा हुआ है जो ये ऐसे आया है अब इसको जब आगे हल करेंगे तो आठ को छः से पहले गुणा करें तो आठ को छः से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अड़तालीस यहाँ देखिए अड़तालीस आ गया उसके बाद में ये नीचे वाला हल किस तरह से करना है इसको बता दूँ मैं देखो दस तो है ही और दस स्क्वायर माइनस एक इस प्रकार से है तो इसको हल करेंगे दस को स्क्वायर का मतलब होता है सो तो दस और सो माइनस एक अब देखिए ये यहाँ भी दिया हुआ है ये रहा सो माइनस एक ये नीचे की तरफ आ गया बट्टा में और सौ माइनस एक यानी निन्यानवे तो दस गुणा निन्यानवे और जब इसको और आगे हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा वन माइनस 48 बटा नौ सौ नब्बे जब नौ सौ नब्बे का भाग आप 48 में दोगे कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हो एक बार हल तो आएगा ये उत्तर तो अंतिम उत्तर जब एक में से घटा देंगे 0.05 को तो उत्तर आ जाएगा 0.95 तो ये जो है 0.95 ये इसका लास्ट आंसर है कोटि सह संबंध जो है यानी इनके बीच में धनात्मक सह संबंध है उच्च धनात्मक सह संबंध है अच्छा इसके कुछ और उदाहरण भी मैं आपको कोटि सह संबंध के बता देता हूँ आप देखिएगा ये एक आपके सामने सवाल है जिसको आपको संबंध के द्वारा हल करना है एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दी हुई है ये संख्याएं आपके सामने हैं अब इसको हल करना है इसका सूत्र जो है ये देखो ये सूत्र जो आपको अभी हल करवाया था वो ये सूत्र है एक ये सूत्र को इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप लेकिन आपने अभी इस इस तरह से हल किया है तो इसी तरह से हल करेंगे अपने अच्छा अब इसकी सारणी बनाते हैं ये जो है ये प्रश्न में दी हुई संख्याएं हैं अब इसके बाद में सबसे पहले x की कोटि निकालेंगे और y की कोटि निकालेंगे x r का मतलब रैंक x की रैंक है और यहाँ y की रैंक है अब इसके बाद में सबसे पहले ये इतनी संख्याओं को हम देखेंगे तो इनमें जिसके सबसे ज़्यादा अंक हैं उसको फर्स्ट रैंक देंगे एक्स में तो इसमें आपको पता है बीस सबसे ज़्यादा है तो बीस को फर्स्ट रैंक दे दी उसके बाद में उन्नीस दूसरे नंबर पर है स्थान तो दूसरा फिर अट्ठारह का तीसरा स्थान है तो यहाँ तीन लिख दिया सत्रह का चौथा स्थान है तो चार लिख दिया सोलह का पाँचवा स्थान है तो पाँच लिख दिया पंद्रह का छठा स्थान है तो छः लिख दिया तो इस तरह से ये रैंक क्रम से ही आ गई है यहाँ तो उसके बाद में अब ये संख्याएं दी हुई है इनमें रैंक निकाले इनमें देखो सबसे बड़ी ये है तो फर्स्ट रैंक इसकी आ गई अब आप वाई में लिखेंगे यहाँ तो फर्स्ट रैंक हो गई पिचहत्तर के दूसरी रैंक हो गई साठ के तीसरी रैंक हो गई चालीस के चौथी रैंक हो गई तीस के पाँचवीं रैंक हो गई और पंद्रह के छठी रैंक हो गई इस तरह से ये रैंक आपको ज्ञात करनी है इसके बाद में अब इनका अंतर जब ये दोनों रैंक आ गई अपने पास तो अब इनका अंतर यानी छः में से एक गया छः में से एक घटाना है तो आ गया पाँच फिर पाँच माइनस दो तो आ गया तीन चार माइनस तीन तो आ गया एक फिर तीन माइनस चार है बात एक या चार में से तीन घटाना है भले ही माइनस में लिखना चाहो तो माइनस में लिख सकते हो लेकिन बाद में जब वर्ग करोगे तो ये माइनस हट जाएगा अगर इसको माइनस में लिखना चाहो तो माइनस में भी लिख सकते हो फिर दो में से पाँच गए तो माइनस के तीन अगर माइनस तीन लिखना चाहो तो माइनस तीन लिखो नहीं तो केवल तीन भी लिख सकते हो फिर एक और छः का इन दोनों का अंतर कितना है पाँच का अंतर है तो पाँच लिख दिया अब इनका करना है वर्ग वर्ग का मतलब पाँच गुणा पाँच तो ये आ गया पच्चीस ये डी स्क्वायर में लिखना है आपको तीन गुणा तीन तीन ती है नौ तो यहाँ आ जाएगा नौ एक गुणा एक तो ये आ जाएगा एक फिर ये यह यहाँ यह माइनस एक है गुणा माइनस एक ही तो प्लस में हो जाएगा एक तो अपने को माइनस प्लस में नहीं उलझना सीधा ही लिख दिए आप फिर तीन गुणा तीन यानी कि नौ पाँच गुणा पाँच यानी कि पच्चीस है ना यहाँ आप यूँ मसोचना यहाँ माइनस पाँच लिखा हुआ है तो यहाँ गुणा माइनस पाँच ही होगा तो माइनस पाँच को जब माइनस पाँच से गुणा करेंगे तो प्लस के पच्चीस आएंगे तो इसलिए आप माइनस प्लस में न उलझें उत्तर यही आना है डी स्क्वायर में तो और आगे सिग्मा डी स्क्वायर हमको यहाँ लिखना है बराबर सत्तर इधर लिखना है एन एन बराबर कितना है देखो एक दो तीन चार पाँच और छः संख्याएँ हैं तो यहाँ एन बराबर आ जाएगा छः इसके बाद में हम अब सूत्र में इनका मान रखते हैं सूत्र ये हमारे पास दिया हुआ है रो बराबर यह सूत्र आपको यहाँ नहीं लिखना है आपको यही सूत्र लिखना है मैंने अभी जो पहले बताया था इस सूत्र से आप हल कर सकते हो तो जब भी इसमें मान रखेंगे छः तो ये छः प्रश्न में दिया हुआ ही है ये सूत्र में दिया हुआ ही है सिग्मा डी स्क्वायर का मान अभी हमने ज्ञात किया था वो था सत्तर तो छः गुणा सत्तर यहाँ लिख दिया है. नीचे छ एन की जगह है नीचे वाला एन की जगह यहाँ छः लिख दिया फिर एन स्क्वायर की जगह अपनों ने लिख दिया छः का स्क्वायर माइनस एक की जगह लिख दिया माइनस एक तो छः का स्क्वायर होता है छत्तीस और माइनस एक छत्तीस में से एक गया तो ये बन गया पैंतीस तो यहाँ हमने लिख दिया पैंतीस और ये छः गुणा में है ही और ऊपर है वन माइनस फोर ट्वेंटी यानी एक में से चार सौ बीस बटा वन माइनस चार सौ बीस बटा टू हंड्रेड एंड टेन ये अपने को लिखना है तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे यानी यहाँ भी देखिए रहा मान तो एक में से 420 सौ बीस बटा दस जब इनको काटेंगे तो ये दो बार जाएगा एक माइनस दो आ जाएगा हमारे पास तो इसका माइनस की संख्या बड़ी है तो आ जाएगा उत्तर रो बराबर माइनस वन यानी ये और ये संख्या यहाँ बराबर होगी तो इसके बाद में अपने को एक लाइन यहाँ लिखनी है वन माइनस टू और फिर अंत में माइनस वन रो बराबर माइनस वन आ जाएगा अब माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई चरों के बीच में पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है क्योंकि पूरा माइनस वन हो गया क्योंकि जो कोरिलेशन जो होता है वो उसका मान ज़ीरो से एक के बीच में ही होता है है ना जीरो से यानी माइनस एक से लेकर के जीरो और फिर प्लस का एक तक माइनस एक से एक के बीच में इसका मान होता है तो इस तरह से आपके आपके से संबंध का एक सवाल और आपको मैंने समझा दिया है दोनों सवाल